Good morning, guys. Sunday and काफ़ी लेट उठे मैं फिर काफ़ी कुछ करना था आज सो लेट्स गेट अप एंड हैव सम कॉफ़ी एंड स्टार्ट द डे कुछ कुछ काम ख़त्म करते हैं जल्दी से इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock बहुत लेट उठी मैं सो या ये अभी तक नहीं छोड़ा है इसने मेरा आँख खाना एंड मेरी थर्ड कॉफ़ी चल रही है बिकॉज इट्स जस्ट सो स्ट्रेसफुल आई मीन फिजिकली आई फील बेटर मेरी आवाज़ वापस आ गई है बट आई गेस मेंटली इट्स जस्ट टू हैवी to process everything and do more work, be more productive. I think इस generation में हमें mental health को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम physical health को देते हैं. Unpacking time. Finally. It's empty. So ये वाला bag has been with me for I guess 3-4 years. 3-4 साल मेरे साथ ये bag घूमा है काफी and I guess it's time to change my traveling hiking bag. क्योंकि इसके बिल्कुल देहांत हो गया है काफ़ी जगहों से लाइक ये इसकी हालत बहुत ख़राब है इसको बहुत ज़्यादा ओवरफिल करके जब ट्रैवल किया है सो इट्स ऑल इन पीसेस काफ़ी बुरी हालत है सो प्लान तो ये है कि इसको ठीक कराएंगे अगर इन अ वेरी शॉर्ट वाइल अगर मेरे को ट्रैवल करना पड़े अदरवाइज टाइम टू बाय अ न्यू हाइकिंग बैग सो या ये तो खाली हो गया है इसको जाके मैं साइड पर रखूँगी घर पे कहीं क्या इधर इसको फिक्स कराएं या इसको फेंक देंगे एंड विल गेट अ न्यू बैग एंड सारा सामान यहाँ पे पड़ा है सारा सामान बेड पे ऐसे बिखरा पड़ा है So let's get this sorted and one task of the day is done jo kafi dino se pending tha and I'm already tired nahi just kidding thoda sa music lagaungi and then fix my clothes in my wardrobe main ye leke gayi thi ye mere ko wahan pe mila tha आउट ऑफ नो वेयर इन द जंगल्स जोकर का कार्ड हमेशा मुझे मिलता है आई गेस जोकर ही लाइफ हो गई है लॉल एंड ये मेरा स्पीकर था ये इंडक्शन में लेके जाती हूँ यूजुअली व्हेन आई ट्रैवल गुड फॉर कुकिंग थिंग्स लाइक कॉफ़ी चाय मैगी सब कुछ बेसिक चीज़ें बन सकती है जो मुझे आता है ये उसका पैन है जो मैं लेके गई थी इट्स स्टिल काइंड ऑफ डर्टी बट ठीक है इसको धोने को रखना है सो दीज टू थिंग्स आई हैव स्टार्टेड टेकिंग विद मी इस टाइम पे फॉर ट्रैवलिंग बिकॉज दिस हेल्प्स मी अलॉट कि एटलीस्ट मेरा सुबह का कॉफ़ी हो जाएगा चाय हो सकता है इफ़ आई वॉन्ट टू हैव चाय मैगी बिल्कुल बेसिक चीज़ें लाइक जो मुझे आती है वो बन सकता है इफ़ आई हैव इलेक्ट्रिसिटी सो दिस इज़ गुड फॉर ट्रैवलिंग लाइक पिछले एक साल से तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ
इसका भी टाइम आ गया है रेस्ट करने को, ये सारे कपड़े मेरे को सेट करना है एंड ये है हालत बैग की। ये जैकेट थी जो मैं लेके गई थी, जो कभी यूज़ नहीं किया इस ट्रिप पे। सो आई हैव टू सेट ऑल ऑफ दिस एंड एक ये बुक लेके गई थी मैं जो मैंने नहीं पढ़ी, बट इसको भी अपने बाकी बुक्स के साथ रखूँगी मैं एंड लेट्स स्टार्ट फिक्सिंग दिस। इट्स अ बिग टास्क बट इट हैज़ टू बी डन टुडे। आज किसी भी हालत में मैं ये करके रहूँगी। आई हैव टू गेट दिस ऑल सॉर्टेड एंड क्योंकि ये मेरे भाई के वॉशरूम में पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, सो आई हैव टू गेट दैट क्लियर्ड। सो आई विल जस्ट डू ऑल ऑफ दिस एंड अपडेट यू ऑन द नेक्स्ट टास्क दैट वी हैव टू डू। सो या लेट्स सी, मैंने स्टार्ट किया था आई गेस आधे एक घंटे पहले। गीज़र भी ऑन है, सो आई हैव टू ऑल्सो टेक अ बाथ, मच नीडेड। और शाम हो गई है, इट्स गेटिंग कोल्ड इन दिल्ली। सो अपेरेंटली आजकल दिल्ली इज द कोल्डेस्ट, मोर देन हिमाचल एंड उत्तराखंड, उससे ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो रही है। अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू। इट्स लाइक बर्फ नहीं पड़ी बट इट्स वेरी कोल्ड, मतलब 4 degrees, 3 degrees के आसपास गिर रहा है। एंड अभी हिमाचल में अप्रॉक्सीमेटली 6 degrees था, लाइक कांगड़ा, कुल्लू, मनाली के नीचे, भुंतर, ये सारे साइड पे इट वॉज अराउंड 6 degrees। तो दिल्ली में वहाँ से भी ज़्यादा ठंड हो रही। सो गाइज, अनपैकिंग हो गई है और डेस्क भी साफ हो गया है, बिल्कुल साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड। जय भोलेनाथ। ये सारे क्रिस्टल्स है, ये चाय टाइम एंड गुड वर्क डेस्क एरिया, ऑल ऑर्गेनाइज एंड क्लीन। एज अ वर्को मेरे को बहुत पसंद है क्लीन ऑर्गेनाइज रहना। सो या दैट इज़ डन, अनपैकिंग हो गई है एंड मेरे रूम में हीटर भी आ गया है। सो हीटर, यस, अब नहाने का टाइम, चाय पी के नहाने जाएंगे हम। बाल सुखाने का टेक्निक 101। आज का डिनर है चिकन सैंडविच एंड चिकन फिलिंग, थोड़ा हमने सॉटे किया है बटर में एंड ये बनाया गया है मेरा स्पेशल, मेरा भाई चेतन शर्मा।